यार ये बहुत बदतमीज बच्चा है। मोबाइल नहीं दिया तो ये नहीं मिलेगा मोबाइल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग सब कैसे हैं? दुआ है आप लोग खुश रहें, जहाँ भी रहें सेहतमंद रहें। और आज हम कहाँ हैं ये आप बताएं। ये देखें बाजार, और बाजार बाय कर दो, बाय बाय। और यहाँ बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये इनकी शक्लें नहीं लाएंगे, पर इन्होंने बहुत जूते खरीदे हैं। ये भाभी ने स्टाइलो के खरीद लिए हैं, और इन्होंने ये किस किस से खरीदे हैं? सबके जूते इन्होंने इतने ये देखे। हम बाजार जा रहे थे तो हमें ये मिल गई, तो हमने कहा इनको भी थोड़ा सा व्लॉग में डाल लिया जाए। ये हम बाजार के लिए निकल खड़े हुए हैं, और ये अंकल ने इधर हमारे इधर टॉय शॉप खोली है। ये पहले कोने में होते थे, और अब हम जा रहे हैं शहर कारमेट में। ये बस्ती में है चौक पर, और इधर बहुत रीजनेबल कपड़े मिलते हैं और अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये हमने इधर बहुत सारे टॉप देखे थे, लेकिन जो हमें पसंद आया वो आप बताएं कौन सा आया। नहीं ये ब्लू वाला आया, ये जो अभी आएगा। और ये देखिए इनके पास बहुत सारी कलेक्शन थी, अच्छी कलेक्शन थी। ये ब्लू वाला, इसमें हमने कहा 4 साल की बच्ची का भी दिखाएं। एक हमने 2 साल की बच्ची का लिया, और एक 4 साल की बच्ची का लेना था, तो वो हमें दिखा रहे हैं। मिल गई हमें एक 4 साल की बच्ची की, 2 साल की बच्ची की, ठीक है। और अब हम एक और देख रहे हैं बच्ची के लिए कुछ। लिटिल बच्चों की कलेक्शन भी है। इसमें कुछ समझ नहीं आ रही। और इनके पास सारी कलेक्शन जो है वो अच्छी स्टफ है, नरम है। और दूसरा कौन सी कपड़ा इसका बहुत देना बोली देना कैंडी प्लीज। हमने दो ले ली है फिलहाल, अब देखो। पजामों की कलेक्शन भी मिल जाएगी, और पलवशा आज सोई नहीं है उसे, जैसे ही बहुत तंग कर रही है। सॉक्स भी आ गए अंकल के पास, छोटे बच्चों की भी हैं। अच्छा ना वो पड़ा हुआ पी लो। ये देखें इनके पास न्यू बॉर्न बेबी की बहुत कलेक्शन है। और हाँ हम इन्हीं से अक्सर ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी की इन्हीं से हम लेते हैं। न्यू बॉर्न बेबी से कितने एज तक है आपके पास? 5 साल। 5 साल के बच्चों का इनके पास है। हाई नेक बड़े साइज भी, हाई नेक भी, और बाकी चीज़ें भी हैं। न्यू बॉर्न के लोकल इम्पोर्टेड चाइना थाईलैंड। हाँ दाम भी इनके बहुत अच्छे हैं, मुनासिब दाम है, और हम इन्हीं से लेते हैं। जितने बच्चे हुए हैं इन्हीं से हमने लिए। हमारा वो है ना क्वालिटी अच्छी है, वाकई में अच्छी है। कह रहे हैं विंटर की इनके पास सारी वैरायटी आ गई है, और जो कोई बस्ती में रहता है, दूर भी रहते हैं, आए इनकी शॉप पे, बहुत अच्छी कलेक्शन मिलेगी आपको, हर चीज मुनासिब दाम। उधर से हम निकले तो ये देखे नारियल वाली थे, ये एक शॉप, ये एक उन्होंने ठेला लगाया हुआ था, और उस्मान नहीं थे इसलिए ज़रा मुझे मुश्किल पेश आई थी। ये शकूरी है हमारी इधर बस्ती में, इनके पास से हर हर्बल्स मिल जाती हैं। और हम कुछ कपड़ा ख़रीदने आए हैं इनकी शॉप पे,
नहीं न्यू स्टाइल कोई ऐसा ना जो यूनिक सा हो, वो जो ऊपर फूलों वाला है अल्टी सा दरमियान में, हाँ इससे नीचे ये दोनों दिखा है। ये थोड़ा कपड़े कपड़ों वाला स्टाइल है। अच्छा ये है भी भारी सा, ये कौन सा कपड़ा है भाई? कॉटन है भाई। अच्छा क्या होता जी? कपड़ा पसंद आया है ये भाई ने, ये वाला ने दे दिया है। और ये किस तरह बता रहे हैं भाई? पलवशा ये फ्रॉक कैसी है? पलवशा की ऐसी फ्रॉक है पर पलवशा पहनती नहीं है बिल्कुल भी। ये भी अच्छी है। चलो कुछ पसंद देखने वली और पलवशा। दोनों अच्छी हैं। खैर शीशे वाली भी देखो। ये देखिए बच्चा हाँ ये देखिए इनके पास ये आज सब आपको सर्वे करा रहे हैं। बच्चों की है उनके पास छोटे बेबीज की ये वाली फैंसी कलेक्शन। फिर लेनी थी जी कुछ पीने पोनियाँ जो हमेशा नहीं होती हैं पलवशा को लगाने टाइम कुछ भी नहीं होता। इनके पास बड़ी अच्छी कलेक्शन थी हेयर बैंड पिने पोनियाँ। ये देखें कितने प्यारे हेयर बैंड्स थे। मैंने बस सिर्फ इसमें से पोनियाँ और कुछ पिने ख़रीदी हैं। और ये देखें नेल कितने खूबसूरत थे। और ये दोनों ने आज उधम मचाया हुआ था, मुझे बहुत सताया लेकिन क्या किया जाए। और ये देखिए ये वाली पोनियाँ जो है ना रबड़ वाली पोनियाँ, ये लेनी थी इसकी पलवशा की जो हमेशा टूट जाती हैं और इसके उस पर टिकती नहीं है। और ये रहे आगे इनके पास रिंग की कलेक्शन। रिंग्स इनके पास बड़ी प्यारी थी, मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करूं। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सी रिंग आप लोगों को पसंद आई। मुझे तो ये मैरून वाली रिंग, जो एक नग वाली और ये तीन वाली रिंग, दोनों मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन मैं पहन के देखी लेकिन इतना आज समझ नहीं आ रही थी, अकेली थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो इसलिए मैंने जो नज़र आया वो कर लिया। आप लोग बताइएगा। और ये देखें इनके पास झुमकों की रेंज, झुमके भी इनके पास बड़े खूबसूरत खूबसूरत थे बालियों के साथ। और ये देखेंगे ये जो वाइट वाला और गोल्डन वाला है ना, ये मेरे पास है। और वो जो रेड है ना, वो मैं पहले भी वो भी ले चुकी हूँ जो ऊपर है, वो बड़ी प्यारी लगती है। मैं आप लोगों को किसी दिन पहन के दिखाऊंगी। इनकी शॉप से मैं बहुत चीज़ें इन्हीं की शॉप से लेती हूँ।
इनके पास अच्छी कलेक्शन होती है और रीज़नेबल भी होती है। ये देखेंगे सारी अंगूठियाँ की चेक करें, बड़ी प्यारी थी। लेनी तो नहीं थी, बस लेनी तो पिन्ने पोनियाँ थी। ये बच्चों की छोटी छोटी सी गोल्डन, और ये कलेक्शन देखें जी, इतनी अच्छी लग रही थी पर मैंने। और जी हमने इनसे चिप्स ले लिए दोनों बच्चों के लिए बग़ैर मसाले के। और ये हमें कह रहे थे कि हमारी वीडियो मत बनाइएगा, लेकिन मैंने फिर भी इसकी वीडियो बना ली। खैर ये तो बुरी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। और अम्मी लेमन सोडा हम तो पियेंगे, इस लड़की ने तो आइसक्रीम खाई है, हम तो लेमन सोडा पियेंगे। हाँ तुम्हारे पेट में क्या है? इस चाय के साथ मिठाई के बाद हम व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि आज बस इसी पे हम एंड करेंगे।